दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी जगह के विषय में बताने जा रहा हूं जहां आज भी कंस का राज चलता है। जी हां, आपने सही सुना, कंस का राज चलता है और पूरा प्रशासन उसके आदेश का पालन करते हैं। ओडिशा का बरगढ़ जिला, यहां 8 किलोमीटर के इलाके में 11 दिन तक कंस का राज चलता है। इस दौरान सब कुछ वैसा ही होता है जैसा द्वापर काल में मथुरा में होता था। राजा कंस का दरबार लगता है, दरबार में फरियादी आते हैं, फरियाद सुनकर कंस फैसला सुनाते हैं, कोई दोषी है तो उसे सजा सुनाई जाती है। सुबह 11 बजे कंस नगर की परिक्रमा करते हैं। ग्रामीणों की यह परंपरा बड़गढ़ में 75 साल से लगातार कायम है। खास बात यह है कि 11 दिन में कंस के न्यायिक व्यवस्था और आज्ञा का पालन हर कोई करता है, प्रशासन भी आदेश का पालन करता है। ओडिशा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक भी कंस के घेरे में आ चुके हैं और उन पर भी जुर्माना किया जा चुका है, उन्होंने भी आज्ञा का पालन किया। यह व्यवस्था को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर मानते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है। Come on.
दोस्तों पूरे भारत में उड़ीसा राज्य के बरगर जिला ही एक ऐसी जगह है जहां कंस राज्य को मान्यता दिया गया है। वहां के प्रशासन भी कंस राज्य को मान्यता दिया है और ये 11 दिन का जो महोत्सव चलता है, इस उत्सव में कंस के द्वारा लिया गया सारा निर्णय मान्य होता है। प्रशासन भी उस निर्णय को स्वीकारते हैं और जनता भी। और इस उपलक्ष्य में दोस्तों बहुत ही भव्य मेले का आयोजन होता है। शाम के समय में कंस का नाटक का मंचन भी होता है। लोग दूर दूर से आते हैं इस आयोजन को देखने के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य आयोजन उड़ीसा के बरगर जिला में। इस वर्ष 2023 को आखिरी दिन 11वां दिन पड़ रहा है, 6 जनवरी को समापन है, जिसमें कि कृष्ण कंस का वध कर देंगे और ये पूरे मंचन का अंत हो जाएगा। फिर अगले साल इस आयोजन का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजेश फन मस्ती को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Thank you.